अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ M3, कैसे हैं आप सब लोग। आज उर्दू में हमारा उन्वान है सबक बात मानो और उसका सफा नंबर है 19। आज हमने उसकी पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपने एक और काम करना है, बुनियादी मुसद्दा बड़ी ये का सफा नंबर 23 करना है। ये वीडियो देखने से पहले सेंट्रल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोज हैं आपके पास आती जाए। चलें जी, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपनी किताब का सफा नंबर 19 खोलें। जी ये है बात मानो, इसकी हमने पहले पढ़ाई करनी है। आज हम सिर्फ पहली दो लाइनों की इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको जोड़ तोड़ से पढ़कर बताऊंगी और आपने भी वैसे ही जोड़ तोड़ के साथ इन लाइंस की पढ़ाई करनी है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है बेली बात ते बात मीमरी मां नूनवा नो बात मानो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक छोटी सी कहानी है मुर्गी और उसके चार चूजों की, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि कहानी के बारे में क्या है। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। अलीफ ये काफ एक मीम पेश रे मुर गैन छुटिये गी मुर्गी एक मुर्गी का पढ़िए के एक मुर्गी के चे लिफ चार रे चार एक मुर्गी के चार चे पेश वचू जे पढ़िए जे चूजे थे पढ़िए थे एक मुर्गी के चार चूजे थे। नून रे नर मीम नरम नून रे नर मीम नरम 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 पे ये प्या ये लिफ या रे बढ़िए रे प्यारे पे ये प्या रे लिफ राय प्यारे प्यारे अलिफ ये काफ ए चे पेश व चू जे बढ़िए जे चूजे काफ अलिफ का एक चूजे का नून अलिफ नाम मीम नाम एक चूजे का नाम चेव चू चूचू थे अलिफ था एक चूजे का नाम चूचू था। अलिफ ये काफ एक काफ अलिफ का एक का नून अलिफ नाम मीम नाम एक का नाम मीम अलिफ मा नून छुटिये नी मानी एक का नाम मानी थे अलिफ था एक का नाम मानी था। नेक्स्ट अलिफ ये काफ ए चे पेश व चू जे बढ़िए जे चूजे काफ अलिफ का एक चूजे का नून अलिफ नाम मीम नाम एक चूजे का नाम मीम व मो ते छुटिए ती मोती एक चूजे का नाम मोती अलिफ व रे और अलिफ ये काफ एक काफ अलिफ का एक का नून अलिफ नाम मीम नाम और एक का नाम नून व नो मीम छुटिए मी नोमी थे अलिफ था एक का नाम नोमी था, ठीक है। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। एक मुर्गी के चार चूजे थे नरम नरम प्यारे प्यारे। एक मुर्गी के कितने चूजे थे? चार चूजे थे। कैसे थे? नरम नरम और प्यारे प्यारे। एक चूजे का नाम चूचू था और उसमें से एक चूजे का नाम क्या था? चूचू था। एक का नाम मानी था, एक चूजे का नाम मोती और एक का नाम नोमी था। यानी कि एक मुर्गी के चार चूजे थे और वो कैसे थे? नरम नरम प्यारे प्यारे। एक का नाम जो था वो चूचू था, एक का नाम मानी था, एक का नाम मोती था और एक का नाम नोमी था, ठीक है। सिर्फ आपने पहली दो लाइनों की पढ़ाई करनी है जोड़ तोड़ के साथ। अब हम इसका नेक्स्ट वर्क करते हैं। जी हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट है पेज नंबर 23 बुनियादी मुसद्दा बड़ी ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने अल्फाज बनाने हैं यानी कि उनको मिलाना है और फिर अलग करके लिखना है। इसमें जितने भी लफ्ज बनेंगे वो सारे बड़ी ये के साथ बनेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जैसे है बे प्लस बड़ी ये यानी कि बे बड़ी ये बे जीम बड़ी ये जे दाल बड़ी ये दे सीन बढ़िए से तोए बढ़िए ते फे बढ़िए फे क
काफ बढ़िए के, लाम बढ़िए ले। अब इनको आपने लिखना कैसे है, जैसे हरूफ हैं, हरूफ की आधी शक्ल को आपने बढ़िए के साथ मिला देना है तो वो आपका जो है बे बढ़िए बे बन जाएगा। इसी तरह जीम की आधी शक्ल जो होती है उसको आपने बढ़िए के साथ मिला देना है। दाल की तो आधी शक्ल होती नहीं है, तो इस तरह दाल जो है आप देखें बढ़िए से अलग है, ठीक है। इसी तरह सीन की जो है आधी शक्ल उसको आप बढ़िए के साथ मिला देंगे। आप हरूफ की आधी अशकाल को बढ़िए के साथ मिलाएंगे तो वो एक लफ्ज बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है अलग कीजिए, इसमें आप देखें कि उन्होंने हरूफ को जोड़कर यानी के हर्फ को जोड़कर बढ़िए के साथ लिखा है। जैसे ते बढ़िए ते, आपने क्या करना है ते को अलग करेंगे और बढ़िए को अलग करेंगे। इसी तरह है चे बढ़िए चे, कि चे को अलग करेंगे और बढ़िए को अलग करेंगे। इसी तरह आप इन हर्फ को जो है बढ़िए से अलग करके यहाँ पे लिखेंगे। बहुत इजी वर्क है, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ते जाएं और इनको लाइंस के ऊपर लिखते जाइएगा। और जो आपने अपने रफ नोटबुक में काम करना है वो भी आपकी मजीद प्रैक्टिस के लिए है कि आप उसको करें। जैसे टे बढ़िए टे, खे बढ़िए खे, रे बढ़िए रे, शीन बढ़िए शे, इसी तरह इनको मिलाकर लिखना है। फिर उसके नीचे जो है उनको आपने अलग करके लिखना है। आपने अपनी किताब में ये सफा नंबर 23 करना है और बात मानों की रीडिंग करनी है, ठीक है। शुक्रिया।